हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो पिछले 2 दिनों से मैं जयपुर की बेस्ट लोकेशंस में घूम रहा हूं और आज ये मेरा 3रा दिन है जयपुर में। तो आज के दिन की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे रावत मिष्ठान भंडार। मैंने सुना है कि वहाँ की कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है जयपुर में, और उसके बाद हम जाएंगे लस्सी वाला पर। वहाँ की लस्सी बेस्ट लस्सी है जयपुर की। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, हम रावत मिष्ठान भंडार पहुंच गए हैं, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो रावत मिष्ठान भंडार वैसे तो फेमस है अपनी कचौड़ी के लिए, लेकिन यहाँ कचौड़ी के अलावा आप हर टाइप की मिठाई ले सकते हैं। मुझे तो यहाँ की कचौड़ी काफ़ी पसंद आई, लेकिन बस एक चीज़ की कमी थी, चटनी की। पता नहीं क्यों, लेकिन यह कचौड़ी के साथ चटनी नहीं देते हैं, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लस्सी वाले के पास, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, और ये पड़ता है MI रोड पे। तो चलो फिर ट्राई करते हैं यहाँ की लस्सी। तो लस्सी वाला की लस्सी काफ़ी फेमस है जयपुर में। इस दुकान के आसपास कई और लस्सी की शॉप्स हैं, लेकिन मैं आपको लस्सी वाला की लस्सी ही रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों, पेट पूजा तो हो गई, अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट, तो चलो फिर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें करनी थी थोड़ी शॉपिंग। एक्चुअली मेरी शॉपिंग तो हो गई थी, आपने देखा ही होगा फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन मेरे भाई की थोड़ी शॉपिंग रह गई थी, तो इसलिए पहले थोड़ी शॉपिंग करते हैं, फिर चलते हैं जयगढ़ फोर्ट देखने के लिए। डिफरेंट होता है सिंगल में और डबल में, साइज देखिए सिंगल का। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है जयवान तोप। ये दुनिया के सबसे बड़ी तोप है, और ये इतनी बड़ी है कि इसको चलाने के लिए कम से कम 100 किलो का गन पाउडर का यूज़ होता था। हालांकि ये आज तक कभी किसी जंग में यूज़ नहीं हुई है, लेकिन ये टेस्टिंग के लिए यूज़ हुई है। तो आइए इसको करीब से देखते हैं। तो जयवान तोप दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पे खड़ी तोप है। ये इतनी विनाशकार है कि इसे बस एक बार ही चलाया गया था, वो भी टेस्टिंग के लिए, और वो गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू में जाके गिरा था, जिसकी वजह से वहां एक तालाब बन गया। जयगढ़ फोर्ट को बनाने में करीब 700 साल लग गए थे, और राजाओं की 27 पीढ़ियों ने महल का काम करवाया था, लेकिन इस महल का काम राजा सवाई जयसिंह टू ने पूरा करवाया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा जयगढ़ फोर्ट। अभी मैं आया हूँ जयगढ़ फोर्ट के दीवाने आम में। यहाँ पे राजा की मीटिंग आम लोगों के साथ हुआ करती थी, और अभी जो सामने आप ये मशीन देख रहे हैं, ये उस टाइम के कूलर हुआ करते थे। जी हाँ, राजा ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए यही यूज़ किया करते थे। तो जयगढ़ किले के रास्ते किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे, और ये इसलिए ऐसे बनाए गए थे जिससे अगर कोई दुश्मन किले के अंदर भी घुस जाए, तब भी वो राजा के पास नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आजकल इन रास्तों में चमगादड़ आराम फरमाया करते हैं। अभी जो महल आप सामने देख रहे हैं, वो है आमेर का किला, और उसके नीचे है आमेर की झील। एक और ख़ास बात है यहाँ की कि आमेर किले से एक गुफा सीधी जयगढ़ फोर्ट किले में आ रही है। पहले जब आमेर किले पे हमला हुआ करता था, तो रॉयल फैमिली इसी गुफा से जयगढ़ किले में आ जाया करती थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।